मुतंजन का मीठा बनाने के लिए 50 ग्राम चावल लेके इसको एक घंटे पहले धो के भिगा के रखी हूँ। जो रेगुलर राइस होता है ना घर में, यही राइस है ये। आज भी कुकर में बनाकर दिखा रही हूँ आपको। मैं एक कुकर रख के फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ। इसमें दूध ऐड कर लेंगे। अभी आधा लीटर दूध ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। फुल फैट मिल्क लेंगे तो मीठा अच्छा रहेगा। देखिए दूध आधा लीटर डाल चुकी हूँ इसमें। अभी चावल डाल लेंगे। इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे। ऐड करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे। देखिए चावल डालने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के कम से कम 3 से 4 विजल, देखिए 4 से 5 विजल आने के बाद ओपन करके देख रहे हैं। अभी देखिए इस तरह से हो गया है। इसका थोड़ा दालचीनी का कलर छूट गया है, इसलिए कलर चेंज हो गया है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते होंगे आप कुकर में गलाने से कितना जल्दी गल जाते हैं। देखिए आसानी से अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से गलना है। देखिए इसको अच्छे से इस तरह से चम्मच से मिला लेंगे अच्छे से। अभी फ्लेम ऑन करके इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे। पहले टाइम में दूध डाले थे ना, तब आधा लीटर दूध ऐड करी थी। अभी आधा लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। एक ही टाइम पूरा दूध डाल देने से उबल जाएगा कुकर में, इसलिए पहले आधा अब आधा ऐड कर चुकी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए खोया 100 ग्राम ली हूँ मैं। इसको अच्छे से चूर लेंगे, इस तरह से मैश कर देंगे। देखिए अच्छे से इसको मैश कर चुकी हूँ। ये 100 ग्राम खोया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। खोवा ऐड करने के बाद 100 ग्राम चीनी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए 5 मिनट पकने के बाद इसमें 4 इलायची को इस तरह से कूट के ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, बिना इसका भी पका सकते हो आप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से बीच बीच में हिलाते हुए कम से कम 10 मिनट तक पका लें। देखिए इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कर लेंगे। घी गरम होने के बाद 1 मुट्ठी भर काजू, 1 मुट्ठी भर बादाम लेके इस तरह से कट करके रखने हूँ, इसको ऐड कर लेंगे इसमें। देखिए इसको 1 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक कर लेंगे। ब्राउन हो चुके हैं, फ्लेम बंद। अभी इसको मीठे में ऐड कर आधा घंटा फ्रिज में रख के ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।